गरीबी से जब जूझा आदमी, सब तब माड़ी गरीबी बताई है। जब गरीबी से जूझा हर कोई त्योहार आवा है, जब वो बड़का ने देखा है, बड़का के जब आंखा का आंसू आवा है, तो अपना अपना बड़ा कंट्रोल करता वो किसान, वो गरीब देख रहा है। किसी दिन मई की त्योहार पर भी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। तो एक किसान की दिवाली बताई यहाँ कविराज ने, कात्तिक बदी अमावस थी और दिन था खास दिवाली का, आख्या के मासू आ गई घर देखा जवाली का। किते खीर पूरी मांडिया बन रहे, कहीं खुशबू हलवे की उठ रही, आली की बहु खड़ी कोण मवा शेर बाजरा कूट रही। आली आ गया खाट गेर दी, वह पंद्या का नहीं तो टूट रही, अरे हुक्का भर के बैठ गया उसकी चलम तले तब फूट रही। ताकि दौरत जर एक डंडूक पड़ा था फाड़ी का, आख्या के मास तो आगे घर देखा जबाली का। सभी आदमी बच्चा खातर खेल खिलौने लियावे थे, दोनों भाई दिलिया ऊपर बैठे हुए उनकी तरफ लखावे थे। पची रात की खिचड़ी के मामे शीत घोल के खावे थे, मस्ती में दो कुत्ते बैठे जो अपने कान लावे थे। एक कटोरा एक बखोरा उड़ काम नहीं था थाली का, राख्या ना के मास तो आगे घर देखा जबाली का। आज खिलौने नहीं मिले नु बच्चे मन में कर विश्वास गए, दोनों भाई उठ के न कर माता धोरे आस गए। माता बोली थारे जी न रोलू जिसके जाए नाश गए। इतनी सुन के दोनों भाई फिर जट बाबू के पास गए। इतनी सुन के चाल पड़ा वो पति डबाने आली का, आख्या के मास तो आगे घर देखा जबाली का। रबणिया बोलिया आज चौधरी तू किमे सौदा ना लाया, गरीब जान के रस्ते के मा किसी ने हुक्का तक भी ना पियाया। सर करड़ाई आन चढ़ी नु मन ही मन में घबराया, अरे गांव छोड़ के चलिया गया वो फिर बहुड़ के ना आया। ज्ञानी राम का चमन उजड़ गया, पता लगया ना माली का, राख्या के मासू आगे लोगो घर देखा जबाली का। कात्तिक बड़ी अमावस थी और दिन था खास दिवाली का। ये तो गरीबी सब तमाड़ी और आजकल तो तीज त्योहारा पर रौनक नहीं, और नहीं तो भाई पहले मानस की वैल्यू थी, पैसे की वैल्यू, पर पैसे